औखात नहीं कोई मेरे बुलडोजर चला दे, आज बोले सो बोले। अरे छल्ली बोले जिसमें 72 छेद। लालू प्रसाद यादव जी को उसने चारा चोर कहा है, तो मैं पूछता हूँ स्मृति ईरानी जी आपको क्या कहूँ, पति चोर? जो व्यक्ति, जो औरत अपनी सहेली का पति चुरा कर और सहेली को धक्के मार के घर से बाहर निकलवा के और खुद उसके साथ शादी कर ले, वो भी बोल रही है आज परिवार पे, और क्या मुझे मिलेगा? हो गया, और क्या मुझे मिलेगा? हो गया। अरे सुन ले, सुन ले, जिस दिन वो यहाँ से एक सांसद तुमने रुखसत किया हमेशा के लिए, उस दिन तुमने दूसरा सांसद उसी परिवार से चुन लिया, ये लिख लो। बिल्कुल सही बात। वोट मांगने आएंगे आप चुनाव लड़ाने? वोट मांगने नहीं आऊंगा, थारे से जबरदस्ती दिलवाने आऊंगा, और जो ताऊ की बात नहीं मानेगा उसे बीजेपी का रिश्तेदार बना दूंगा। मीडिया वॉइस आपकी आवाज। अरे बता दूं, आज आज देश का प्रधानमंत्री वहां है जम्मू कश्मीर में, उस स्टेडियम की कैपेसिटी है 18,000 सीट की, और अगर उसमें जहां बच्चे खेलते हैं वहां भी अगर तुम आदमी खड़े करोगे तो 10,000, भेड़ बकरी की तरफ 2,000 और भर दोगे तो 30,000, और वहां के महामूरख जम्मू कश्मीर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 2,00,000 की भीड़ आएगी, जहाँ कैपेसिटी केवल जानवरों की तरह भरने पर 30,000 है, तो वहाँ 2,00,000 कैसे आ जाएगी? इसी तरह तुम्हारा मूर्ख बनाया जा रहा है, और ये जो दलाल मीडिया है ना वो कहेगी कि देखो 2,00,000 की भीड़ आ गई, ऐसे ही तुम 400 पार जा रहे हो। अरे जिसकी 400 पार हो वो छोटे छोटे दलों को तोड़ेगा, ईडी सीबीआई तुम्हारे घर भेजेगा, वो तो आराम से घर लौटेगा सोएगा, तो समझ लो तुम 400 पार छोड़ दो। दावा है मेरा, एक साथ रहना, किसी के बहकावे में मत आना, 200 पार बीजेपी हो नहीं सकती। परिवारवाद की बात करते हैं, पूरा देश पोस्टर लग रहा है कि हम भी परिवार है मोदी जी। किसका? मोदी जी का, हम भी परिवार है, आप भी परिवार। 40 मणिपुर की बेटियां भी उसका परिवार थी, उनको क्या नहीं बोलता? वहां बोलो, वाह, 750 किसान जिनको बॉर्डर पे शहादत हुई थी, वो भी किसान थे, वो भी इस परिवार के लोग थे। पहलवान बेटियां जिनको घसीटा गया, वे भी वहीं की, इसी परिवार की बेटियां हैं। क्या मोदी की बेटियां हैं वो? लखीमपुर खीरी का हत्यारा क्या लिखेगा मोदी, वो भी मेरा परिवार है? लिखेगा? जसोदा बहन को कहेगा कि मेरा परिवार है? अरे ये दिल्ली नहीं है, यूपी है। पोस्टर लग रहा है बनारस में, पोस्टर लग रहा है, यूपी है, बुलडोजर चल जाएगा चीकू के से। किसका? आपके घर पे। औखात नहीं कोई मेरे बुलडोजर चला दे। डर नहीं लगता आपको? किसको? अरे जो डर गया समझो मर गया। भाई वाह, बनारस में लग गए पोस्टर, मेरा मोदी जी के हम परिवार वाले। किसका आपने पोस्टर? किसका? स्मृति ईरानी बोली है, चारा चोर लोग मोदी जी के परिवार पे सवाल उठा। अच्छा चलिए चलिए, रुके भाई सुनिए, चलिए देखिए, आज बोले सो बोले। अरे छल्ली बोले जिसमें 72 छेद। लालू प्रसाद यादव जी को उसने चारा चोर कहा है, तो मैं पूछता हूँ स्मृति ईरानी जी आपको क्या कहूँ, पति चोर? जो व्यक्ति, जो औरत अपनी सहेली का पति चुरा कर और सहेली को धक्के मार के घर से बाहर निकलवा के और खुद उसके साथ शादी कर ले, वो भी बोल रही है आज परिवार पे, ये इस देश का दुर्भाग्य है। और देखिए जिसके परिवार नहीं होगा उसे क्या पता, क्या पता? अरे ये परिवार का ही वो था कि 1.5 से 2,00,000 लोग जिसके अंतिम संस्कार में गए थे। अरे मोदी सुन ले, एक दिन तेरा भी आएगा, पता चलेगा किस कोने में गोली खा के मर गया। 140 करोड़ परिवार है, सुना नहीं कल कर्नाटक में क्या कहा मोदी जी ने? अरे यार, देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया, आप लोगों के लिए सुन, आप लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया?
सब कुछ परिवार के बारे में। अडानी अंबानी के लिए छोड़ा, हमारे लिए क्या छोड़ा? अब बता इन बच्चों को रोजगार किसने दिया? अरे पेपर लीक हो गया था वो, हम पेपर। अरे सुन लो, ओ ये अच्छा चल इस पे सुन ले, पेपर लीक भाई कह रहा हूँ, पेपर लीक। देखो लीकेज होगी, अब जब पहला इंजन लीकेज हो गया तुम में तो मिस्त्री भी होगा कोई, और जब इंजन की सील लीकेज हो जाए तो फिर वो रुकती नहीं भैया, फिर तो मोबाइल फेंक गई है। तो इससे अच्छा है कि इंजन बदल दो, इंजन बदल दो, लीकेज बंद। डब्बे कम होते जा रहे हैं नए इंजन के भी, आप जो कह रहे हो जो इंजन लाना है आ? छोड़ छोड़ के जा रहे हैं सब। कौन जा रहा, कौन नहीं जा रहा, अभी साथ गए हैं। देखिए इस हिंदुस्तान का एक नियम था पहले, जब भैंस बिकती थी तो लवारा साथ जाता था, अब नियम आ गया है कि भैंस बिक सकती है लवारे नहीं बिकते। सवाल ये है कि मणिपुर में राहुल गांधी तो जाते हैं, हाँ पक्का है, हरिद्वार, हरिद्वार में हल्द्वानी में मदरसा गिराया जाता है, मुसलमान कितने मारे जाते हैं वहाँ पर, ना अखिलेश यादव जाते हैं ना राहुल गांधी जाते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, मैं भी चला जाऊं? चल मैं भी चल रहा तेरे साथ, मेरे हाथ में है क्या पावर? तुम्हारे हाथ में पावर है, पावर सुन राहुल गांधी आज जाते, वहां क्यों नहीं? आज मैं एक ही चीज पूछता हूँ आप लोगों से, अरे यही तो तुम लोगों में कमी है। जब तुम साबुन खरीदने जाते हो दुकानदार से कहते हो 5 की जगह 4 लगा ले, 3 लगा ले, 2 लगा ले, नमक खरीदने जाते हो उसका रेट करते हो सारी चीज, जब बच्चों की फीस देने जाओ वहाँ रेट करो क्या है? जब ये तुम्हारे घर सांसद विधायक आते हैं पूछते हो कि 5 साल तूने क्या किया, पूछते हो इनसे? उससे पूछ रहे हो जो हमसे 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर बैठा। जब तुम्हारे यहाँ बीजेपी का सांसद विधायक आए वोट मांगने, पूरे हिंदुस्तान की जनता से कह रहा हूँ आपके माध्यम से, उससे पूछ लेना। अरे ऐसे मत पूछना, उसका कॉलर पकड़ना यहाँ से, क्योंकि वो तुम्हारा नौकर है, तुम उसके नौकर नहीं हो। तुम्हारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है, तुम्हारे टैक्स के पैसे से ऐसो आराम करता है, तो उसका कॉलर पकड़ के पूछना, अरे ओ नौकर 5 साल में बता तूने हमारी सड़कें कैसी बनाई, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा में तूने क्या किया, हमारे यहाँ बता तूने स्कूल कितने बनाए, तो पता वो क्या कहेगा? अभी बता रहा हूँ, वो कहेगा हमने पश्चिम बंगाल में इतने स्कूल बनवा दिए, हमने महाराष्ट्र में इतने कॉलेज बनवा दिए, हमने बिहार में इतने हॉस्पिटल बनवा दिए। और तुम बिहार वाले से जाकर पूछ लो, वो कहेगा हमने उत्तर प्रदेश में इतना कर दिया। ना तो तुम बिहार जा सकते देखने, ना बिहार वाला यहाँ आ सकता। उसका कॉलर पकड़ लेना, अरे ओ नालायक, हम ना बिहार की बात कर रहे ना बंगाल की बात कर रहे, ना हम लखनऊ की बात करते ना हम बनारस की बात करते, तू हमारे क्षेत्र का है, ये बता तूने अपने क्षेत्र में क्या किया। और जब वोट देना, जब तो हम भी और आप भी सब बिक जाते हैं, मेरी बिरादरी का, मेरा रिश्तेदार है, मेरे मामा का, मेरी फूफी का है, और 500 रुपए घर आ गई और एक दारू की बोतल आ गई, थोड़ी सी मिठाई का डिब्बा आ गया और हम वोट दिया है, और 5 साल फिर जो है हमारा कॉलर पकड़ो। लास्ट सवाल है, पिछली बार आया था कि भैया महंगाई खत्म करेंगे, ये सब खत्म करेंगे, इस बार की सब परिवार मेरा है, इसको कैसे टक्कर दो? अरे ऐसी की तैसी में गया परिवार, उससे सिर्फ ये पूछना कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, हर परिवार के सर पे छत होगी उसका क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, शिक्षा का क्या हुआ, स्वास्थ्य का क्या हुआ, ये तो तुम जैसों का बेवकूफ बनाना, मुद्दों से ध्यान भटकाना, और तुम हमें उसी में लगा रहे हो। हम ना आने के, अब के तो एक 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 आसाराम के छोटे भाई झासाराम का कॉलर पकड़ेगा ताऊ। और क्या मुझे मिलेगा? हो गया, और क्या मुझे मिलेगा? हो गया। अरे सुन ले, सुन ले, जिस दिन वो यहाँ से एक सांसद तुमने रुखसत किया हमेशा के लिए, उस दिन तुमने दूसरा सांसद उसी परिवार से चुन लिया, ये लिख लो। बिल्कुल सही बात। आएंगे आप वोट मांगने? हैं? वोट मांगने आएंगे आप चुनाव लड़ाने? वोट मांगने नहीं आऊंगा, थारे से जबरदस्ती दिलवाने आऊंगा, और जो ताऊ की बात नहीं मानेगा उसे बीजेपी का रिश्तेदार बना दूंगा।